आइए भैया। चलिए सबसे पहले टॉपिक है, उस टॉपिक में हम टॉपिक में जनरल स्पेलिंग भी भूल गए हैं भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोड़ो जनरल इक्वेशन ऑफलाइन, इसको वीडियो अपलोड करना है इसलिए टेंशन है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, पूरा गलत हो जाए। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही जो इक्वेशन होगा हमेशा ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन कहलाएगा। तो जनरल इक्वेशन में याद रखना है दो बात, पहला बात उसमें जो x के ऊपर पावर होना चाहिए 1 और y के ऊपर भी पावर होना चाहिए 1, यहाँ पर x के पावर में भी 1 होना चाहिए, y के पावर में भी 1 होना चाहिए, बाकी एक कॉन्स्टेंट रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। ये फॉर्मेट होता है किसी भी लाइन का, जैसे एग्जाम्पल देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यह एक लाइन का इक्वेशन है जिसमें a बराबर 2 है जिसको x का कोफिशियंट बोलेंगे, b इक्वल टू 3 है जिसको y का कोफिशियंट बोलेंगे और c इक्वल टू 5 है। तो हर लाइन का इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखाता है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा चेंज, चेंज करना है, चेंज क्या करना है, जनरल इक्वेशन किसका लाइन का चेंज करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन किसमें स्लोप इंटरसेप्ट में, किसमें चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, हम ये समझाने का कोशिश करेंगे, अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। हमको कोई इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका नाम है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको चेंज करना है, ये इक्वेशन है इसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट में, इसको किसमें चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट। जिनको जिनको नहीं पता है स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कैसा होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट का। ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है, तुमको अगर इसको स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज करना है तो कुछ मत करो, बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी जस्ट बगल में x प्लस माइनस सी बाई बी। ध्यान से देखो ये बॉक्स लगा देते हैं, अभी तुमको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ये फॉर्मेट होता है। ये हमको जनरल इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमको चेंज करना था, किसमें चेंज करना था, इस इक्वेशन को हमको चेंज करना था जिसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट, क्या नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था, तो हम चेंज किए, पर एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 4x प्लस 8y माइनस 6 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बोलता है चेंज कीजिए स्लोप इंटरसेप्ट में, तब तुम यहाँ से 8y इधर रखोगे बाकी को उधर भेज दो माइनस 4x प्लस 6, फिर 8 से डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 8x प्लस 6 बाई 8, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 बाई 4। कुछ लोग बोलेगा भैया ये काम आप क्यों करना सिखा रहे हैं, ये इसलिए सिखा रहे हैं जब भी इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो स्लोप ऑफ लाइन, जिसको स्लोप ऑफ लाइन बोलते हो, जिसको आप स्मॉल m बोलते हो, उसका वैल्यू माइनस हाफ आया, बस स्लोप ऑफ लाइन पता चलेगा। और एक बात पता चलेगा, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई में कहां कट कर रहा है, 3/4, मतलब आपको दो चीज मालूम चलेगा, जब भी आप इक्वेशन को किसमें चेंज कीजिएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये एक एग्जाम्पल था जिसमें एक इक्वेशन था, इक्वेशन देख के उसका आप स्लोप नहीं बता सकते हैं, उस इक्वेशन को चेंज किए किसमें चेंज किए, वही फॉर्मूला था लेकिन उसको चेंज किए स्लोप इंटरसेप्ट में। जब स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज किए जो एक्स के बगल में आएगा वो एम कहलाएगा और जो ये आएगा वो सी कहलाएगा, जिसको जितना दिमाग में प्रवेश किया इसको चुपचाप डाउन करो, लिख लो, जो करना है करो। ये हमारा इक्वेशन जनरल, टॉपिक क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये टॉपिक था, जिसमें पहला टॉपिक था चेंज करना था जनरल इक्वेशन को, किसमें चेंज करना था स्लोप इंटरसेप्ट। सिंपल है, बहुत इजी है, जो चैप्टर है सब इजी है, कोई हार्ड नहीं है, मैं बनाता नहीं इसलिए लोग को हार्ड लगता है। हम एक मिनट पाउच कर रहे हैं, बाकी लोग जल्दी से सुनिएगा। फिर से नेक्स्ट टॉपिक है, इसी को चेंज करना है, चेंज करना है किसको, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसको चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ये फॉर्मूला होता था x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1,
ये तुमको चेंज करना है। तुम एक इक्वेशन देखा जो जनरल इक्वेशन है, इस तरह से इक्वेशन है, जब तुम इसको चेंज करना चाहते हो तो सी को उधर भेजोगे, एक्स प्लस बी वाई इजकल टू माइनस सी, जो फॉर्मूला है उसमें उधर वन होना चाहिए, तो माइनस सी से डिवाइड कर दो, ए बाई सी होगा पर माइनस साइन के साथ, प्लस बी बाई सी होगा पर माइनस साइन के साथ, और वाई इजकल टू यहाँ वन आ जाएगा। यही जो आएगा यही क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, जब कोई जनरल इक्वेशन को चेंज करने बोले। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन देते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा। 4x plus 8y minus 16 is equal to 0. ये हमारा क्वेश्चन है, बोलता है इसको चेंज कीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। तब इस क्वेश्चन को आप तुरंत लिखोगे 4x plus 8y is equal to 16, और दोनों साइड 16 से डिवाइड, 4x by 16 plus 8y by 16 is equal to इधर 1 आ जाएगा, तो x by आएगा 4, y by आएगा 2 is equal to 1। इसका ये मतलब हुआ लाइन ये भी वही चीज है और नीचे वाला भी वही चीज है, पर वो जनरल इक्वेशन है, उसी को हम किसमें चेंज किए, इंटरसेप्ट। इसका डायग्राम बनाते हैं, इसीलिए समझ में आया x में 1 2 3 4 से पास करेगा और y में 1 2 यहां से पास, दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन जाएगा यही कहलाएगा स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कोई लाइन का इक्वेशन है उसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद आएगा नॉर्मल फॉर्म जो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, जल्दी से लिखिए। सेम कहानी है, कोई लाइन का इक्वेशन है इसको चेंज करना है, चेंज कीजिए इस लाइन को किस फॉर्म में, चेंज कीजिए किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का नियम का फॉर्मूला जान लो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इसकल टू पी, जो नहीं जानता है जान लो, यही फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म का डायग्राम बना देते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म ऐसा होता है, कोई भी लाइन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम है पी, और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इसकल टू पी। हर्षित अभी कुछ पूछो मत, अभी देख लो फिर लास्ट में पूछना, एक्स प्लस सब पका हुआ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारा इक्वेशन है, इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिएगा हमको सबसे पहले नियम सीख लीजिए, बाद में आप इसको धीरे धीरे सीखिएगा जब ट्रिगो जानिएगा, एक्स प्लस बी वाई इजकल टू माइनस सी। नियम कहता है जो पी है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब इधर माइनस नहीं होना चाहिए, तो अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस माइनस बी वाई इजकल टू सी, ये काम आपको जानना होगा। और ट्रिगो जब पढ़ाए थे तो याद करवाए थे कि एक तरीका होता है जिसमें ए का स्क्वायर, लिखना कोई मतलब है, लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसमें ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को ऐड करेंगे और ऐड करने पे दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नियम है, ये नियम याद कर लो चाहे जो करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर भी करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नियम है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए, ये नियम है, इस नियम को याद रखिए। यहाँ पर पूरा ट्रिगो जानना होगा, ट्रिगो जानने का मतलब है अच्छा खासा ट्रिगो जानना होगा, ये माइनस ए एक्स और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी वाई डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में इक्वल का साइन, सी वाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले का नाम कॉस अल्फा बोलेंगे क्योंकि फॉर्मूला में एक्स के बगल में कॉस अल्फा होता है, इसको अगर कॉस अल्फा बोलेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा साइन अल्फा, और ये जो इधर का डिस्टेंस है उसको पी बोलेंगे। इस तीन फॉर्मूला से पी तो मालूम चल जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा से जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो वहां से अल्फा निकालने का फॉर्मूला बताएंगे कैसे अल्फा निकलता है, अभी तत्काल के लिए इसको नोट कर लो, ये हमारा फॉर्मूला है किसमें चेंज करना है इक्वेशन को, नॉर्मल फॉर्म में। पहला बात, अगर लाइन इस क्वाड्रेंट में है तो अल्फा बराबर थीटा, अगर इस क्वाड्रेंट में है तो अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो अल्फा बराबर पाई प्लस थीटा और अल्फा बराबर टू पाई माइनस थीटा। अभी इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये बात को भी लिख लो, एक क्वेश्चन से समझाएंगे, इसे समझ में नहीं आएगा, चलिए जल्दी से लिख लो, यही दिक्कत है। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, गोबर इधर देखो, रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इजकल टू जीरो, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इजकल टू जीरो, इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। अभी भूल जाओगे तुम कुछ जानता है, बस यही जानो कि जो हम सिखाए थे रूट थ्री एक्स प्लस वाई इजकल टू सिक्स,
ये पहला काम किए जिसमें कांस्टेंट को लिखना किसी को नहीं है, हम जानबूझ के वीडियो बना रहे हैं कि वीडियो बनाने से आप बाद में नोट कर लीजिएगा। ये इक्वल टू 6 कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देगा अभी का, ठीक है। रूट 3x प्लस y इक्वल टू 6 ये हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा जो x के बगल में होता है वो a होता है, जो y के बगल में होता है वो b होता है। जब y के बगल में कुछ ना दिखे तो 1 समझना है। दोनों को स्क्वायर करो, तो दोनों का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 का वैल्यू होता है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 से दोनों साइड डिवाइड करना है। जब दोनों साइड डिवाइड करोगे यहाँ 6/2, तो फाइनल तुम्हारा यही आएगा रूट 3/2x प्लस 1/2y और 6/2 3 देगा। इसको बॉक्स में बंद करो। इस बॉक्स में बंद करने के बाद यहाँ से लिखो cos अल्फा बराबर रूट 3/2 और sin अल्फा बराबर 1/2 और p बराबर 3। ये तीन बात जल्दी से लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो, हम टाइम पूरा दे रहे हैं, कोई लोड नहीं है। अभी तक हम एक स्टेप बाय स्टेप फालतू बात नहीं करेंगे। देखो cos अल्फा कितना है रूट 3/2, sin अल्फा कितना है 1/2, किसी को पता है कि नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो, tan अल्फा 1/2 और नीचे आ जाएगा रूट 3/2, ये कट के 1/2 क्या देगा, तो tan अल्फा और tan थीटा नाम दो, क्या नाम दोगे, tan थीटा, और मॉड में किसको लिखोगे, tan अल्फा को, जो सिखा रहे वो सीखो। सबसे पहले हमको cos अल्फा पता है, sin अल्फा पता है, दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो tan अल्फा निकाल लेना। tan अल्फा प्लस भी आ सकता था, माइनस भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ प्लस आया तो कोई लोड नहीं है। फिर भी tan थीटा बराबर एक चीज है जो हम पढ़े हैं ट्रिगो में, जब जो शुरुआत में पढ़े थे, मॉड डालेंगे, मॉड डालने पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मॉड डालने पे जो भी मॉड में आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जिसको नहीं पता है याद कर लो, मॉड का मतलब पॉजिटिव। अब tan थीटा इक्वल टू रूट 3 होता है tan 30 का वैल्यू, इसको आप इंग्लिश में पाई बाय 6 बोलते हो, सॉरी रेडियन में पाई बाय 6 बोलते हो। यहां से तुम थीटा का वैल्यू निकाला, थीटा का वैल्यू पाई बाय 6। तो सुनो, हम कैसे जानेंगे कि हमारा लाइन किस क्वाड्रेंट में है? दो तरीका है जानने का, या तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो निकाले हो, देखो ये दो वैल्यू, एक कॉस और एक है साइन, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव। जिसको नहीं पता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां दोनों पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा बराबर क्या हो गया, थीटा, तो अल्फा बराबर हमारा वैल्यू आ गया पाई बाय 6। तो फाइनल आंसर हमारा ये लिखाएगा, x cos पाई बाय 6 प्लस y sin पाई बाय 6 इक्वल टू p। p कितना है निकाल चुके हैं, p का वैल्यू 3 है। हमें क्वेश्चन बताएं पाई बाय 6, ये जो आंसर आया यही हमारा उस इक्वेशन का कौन सा फॉर्म कहलाया, नॉर्मल फॉर्म। जल्दी से लिख लो, फिर से एक बार समझा देते हैं, समझो लाइन से एक बार फिर लिखना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसके बाद एक को कॉस अल्फा, एक को साइन अल्फा, एक को पी मान लेंगे। तो हमको एंगल चाहिए अल्फा, अल्फा जानने का बहुत तरीका होता है, लेकिन हम सिखाएंगे दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पे जो वैल्यू आया 1/√3 आया, तो टैन थीटा बराबर मॉड में डाल देंगे तो जो भी वैल्यू होगा प्लस हो जाएगा, वहां से थीटा वैल्यू पाई बाय 6 आया। पर ये दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, हल्का सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अभी एक अगला क्वेश्चन देंगे जिसमें तुमको पता चलेगा क्या गलत है। तो अल्फा का वैल्यू वही पाई बाय 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होता है पाई बाय 6, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में क्या होता है 2π, फर्स्ट में अल्फा और थीटा सेम होता है। अभी एक क्वेश्चन चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन वही है, बस देखो कहां माइनस लग गया, रूट 3x माइनस y माइनस 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन पूरा अभी हम बनाएंगे, अभी एक मिनट पाउच कर रहे हैं। तो करना क्या है, रूट 3x माइनस y इक्वल टू 6, इसके बगल में रूट 3 है, इसके बगल में माइनस 1 है, दोनों साइड डिवाइड करो किससे, दोनों का स्क्वायर तो 2 आएगा, प्लस माइनस 1/2y इक्वल टू 6/2 3। ये आपको लिखने के बाद आप लिखोगे cos अल्फा भैया रूट 3/2 आया, साइन अल्फा देखो शॉर्टकट में नहीं है तेजी से निकाल दे रहे हैं, माइनस 1/2 आया और p का वैल्यू 3 आया। इतना करने के बाद सुन लो, इतना करने के बाद जब तीनों आ गया cos अल्फा साइन अल्फा और p, तो यहाँ cos अल्फा क्या आया है माइनस आया है, साइन अल्फा क्या आया प्लस, डिवाइड करोगे तो दोनों को डिवाइड करने पे ये माइनस 1/√3 आएगा।
फिर टैन थीटा लेके मॉड डालोगे, मॉड में माइनस है लेकिन बाहर क्या निकलेगा, 1/√3। तो थीटा का वैल्यू हमको फाइनली आ गया 5/6। चाहे कुछ भी क्वेश्चन रहे मॉड हमेशा पॉजिटिव बना देता है। तो ये माइनस में भी आया, इसको हम लोग क्या कर लिए, माइनस डालते हैं मॉड डाल, गपने गपने एक मिनट, माइनस पॉजिटिव आ गया। पर कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है सोचो, कॉस नेगेटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है, और साइन पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस अल्फा साइन नेगेटिव है, सॉरी साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना, फाइनली यहाँ माइनस ही आएगा। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा, लेकिन साइन नेगेटिव होना चाहिए और कॉस क्या होना चाहिए बताओ, किस क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में गए, क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव और कॉस क्या होता है, तो फोर्थ में थीटा बराबर नहीं अल्फा बराबर क्या लिखा हुआ है, तो अल्फा बराबर 2π - π/6। तो एलसीएम लो, कैलकुलेशन करो कितना दे देगा, 11π/6। तो हमारा जो आंसर होगा जहां पर पाई बाय सिक्स है वहां 11π/6 लिखेंगे और यहाँ भी 11π/6 यही आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, जल्दी से लिखो अगला क्वेश्चन, सेम है देख लो, सेम कहानी है, ऐसा नहीं है कि अलग। हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझिए लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान दीजिए ये जो परपेंडिकुलर है, ए बोर्ड पे देखिएगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस पी है और यहाँ का एंगल अल्फा है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा हुआ, कोई लोड नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा यही लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, इधर से कटता, यहाँ से परपेंडिकुलर डालता, ये 90 डालता, ये डिस्टेंस तो पी होता, पर हमको ये एंगल चाहिए ये वाला, जबकि हम बहुत मेहनत करेंगे मॉड डाल के ये छोटा एंगल निकालते हैं, ये छोटा एंगल जो है इसको हम थीटा मानते हैं। इस एंगल के लिए याद कर लो सेकेंड में है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये थीटा है, ठीक है थीटा निकल गया, हमको ये वाला एंगल अल्फा कहलाता है, ये एक्स से देखा जाता है, ये एक्स बराबर ये छोटा एंगल निकालते हैं तो पाई माइनस क्या लिखाएगा थीटा, देखो सेकेंड में लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा। यही इक्वेशन अगर हमारा, यही इक्वेशन किस क्वाड्रेंट में चल जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में गया था, थर्ड मतलब लाइन ऐसा होता, देखो ऐसा लाइन फर्स्ट के ओर से जा सकता है या तो सेकेंड, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर जिसको पी बोलते हो, ये छोटा एंगल जो निकाल पाते हो उसका नाम थीटा है, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के बाद देता है, तो हमको ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल अल्फा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बराबर पाई प्लस, और वही कहानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता, तो ये एंगल छोटा ये परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल थीटा है, हमको ये पूरा एंगल चाहिए, टोटल पूरा 2π होता है, 2π - θ। यही कहानी था जिस कारण से हम लोग लिखे, भैया अपने बुलाया हम चले आए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ तो गया, थैंक यू, तुमको भयानक खोज रहे थे हम, आपने बुलाया और हम चले आए, 5 मिनट।